असलम नाजरीन दिस इज़ फ्रियालताफ़ बैक विद एफ़ वाई पॉडकास्ट और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक हमसाए और एक दोस्त जिनको मैं आई थिंक पिछले 20-25 साल से जानती हूँ वो हमारे साथ ही रहते हैं घर के पास रहते हैं उनकी फैमिली को भी मैं जानती हूँ और उनके साथ मैंने काम किए हैं लेकिन मैं उनको जिस तरह ज़्यादा पिछले कुछ सालों से जानना शुरू किया है कोविड uh, के ज़माने से उससे थोड़े से पहले से उसमें ज़्यादा हमारी रिलेशनशिप बढ़ी है तो ही इज़ एक्टर ही इज़ अ होस्ट ही इज़ डन फिल्म उन्होंने ड्रामे किए हैं उन्हें पास कोई 200 से ज़्यादा काम हैं और अवार्ड्स हैं पाकिस्तानी जो कि बहुत ही और आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो without further ado, his name is आप करते हैं आप यहाँ बैठे होते हैं मैं आप <laughs> <ने>, मुझे <laughs> बड़ा अच्छा लग रहा है आप होस्टिंग <laughs> अच्छा तो आ, फैसल वी, ये आपको पता है हमारे पॉडकास्ट जो है इट्स ऑल अबाउट यू एंड आपकी लाइफ और आप बहुत इंस्पायरिंग है आपने बहुत ज्यादा आपका बॉडी वर्क बहुत ज्यादा है लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान है लेकिन आई yeah. थिंक लोगों को मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो लोगों को नहीं पता होती एंड आई थिंक वही हमारा मकसद है और हम आज उसी पे शुरू करते हैं तो Thank हम you. पहले शुरू करेंगे आप कहाँ पैदा हुए लाहौर लाहौर में लाहौर में बट नॉट पंजाबी नो हाफ हाफ उर्दू स्पीकिंग यस बिकॉज फ्रॉम मॉम साइड अच्छा okay. और अब्बा की तरफ से उर्दू स्पीकिंग अच्छा ठीक है तो मैंने जो आ, 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 आप लाहौर में पैदा हुई वही, वहीं पे बड़े बड़े हाँ वहीं पे पला बड़ा वहीं जवान हुआ कॉलेज वहीं किया करियर का आगाज वहीं किया बीच में हम लोग कराची वापस आए थे बिकॉज अब्बा की और अम्मा की दोनों की फैमिली जो है वो कराची में तो हम आए बीच में लेकिन वो दौर ऐसा था कि फिर वापस भागना पड़ा Uh -huh. और फिर हम लो वापस लोग वापस लॉर चले गए तो आ, मैं फिर 92 में व्हेन आई वाज मैंने अपने सेकंड ईयर के पेपर दिए थे मुझे याद है तो मैं फिल्म्स में आ गया था अच्छा और wow. आ, 19 फिल्म्स 92 में आया था 92, और 19 फिल्म्स की मैंने फिल्म्स यस यस टिल 96 uh, चार साल में हाँ. मैंने तकरीबन उन्नीस फिल्में की हाँ, दैट्स अच्छा ये भी बहुत बड़ी बात है कि काम बहुत प्रोलिफिक है पर well, हम वापस जाएंगे थोड़ा सा हाँ. बचपन के अंदर कितने बहन वही हैं आप अकेला रियली इट्स नो वाओ और आपके दोनों पेरेंट्स होना कि वो भी शोबिज में थे अह uh, अब्बा जो है वो थे शोबिज में लेकिन okay. फिर उन्होंने छोड़ दिया था उनका वो क्या कहते हैं अह uh, एडजस्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज वो जिस तरह माइंड सेट था कि अबे छोड़ो यार ये क्या करना है ये तो वो इतना पेशेंस नहीं थे उनके अंदर एक्टर hmm. बनने के लिए आपको बहुत hmm. पेशेंस की जरूरत है सो अम्मी वो थे जमाने भी बहुत डिफरेंट थे पीटीवी के जो जमाने पी थे पीटीवी और फिल्म हाँ। सिर्फ यही दो चीजें होती पड़ता था बहुत इंतजार करना पड़ता था वो अब ने की कोई तीन फिल्म की उसमें से एक रिलीज हुई आ, प्यार की जीत लाहौर में की वो लाहौर में की अब्बा का फिल्म इंडस्ट्री में आना ऐसे हुआ कि मेरे ताया रफत कुरैशी अच्छा। वो वो चीफ साउंड रिकॉर्डिंग इंजीनियर okay. तो वो बेसिकली आ, उन्होंने उन्होंने वो पापा और उनकी दोनों की बहुत दोस्ती थी हाँ। तो वो आते जाते रहते थे एंड माय फादर वाज वेरी हैंडसम मैन लाइक यू आई वाज गोइंग टू से खूबसूरती जो है फैमिली में होगी तो वो नहीं खैर मैं तो नहीं अपने मेरी माँ तो यही कहती है कि मैं अपने बाप का फिफ्टी परसेंट भी नहीं हूँ तो माय फादर वाज अ वेरी गुड लुकिंग मैन तो बस उनको वहाँ फिल्म शिल्म ऑफर हो गई तो कोई उनको शौक़ तो था नहीं क्योंकि वो बड़े लाड प्यारों में पड़े पले हुए लोग थे ये लोग तो बस फिर वो उन्होंने एक दो फिल्में कर ली और वहीं अम्मी से भी मुलाकात हो गई शादी भी हो गई

नहीं पड़ती थी मतलब मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ अम्मी से दो दफा मार पड़ी है और अब्बा से एक ही चपेड़ पड़ी है सो मुझे ऐसे ज़बानी है आजकल के ज़माने में तो ये आप नहीं कर सकते में। बदर, बदर अच्छा फिर उसके बाद आपने कभी सोचा था और कुछ सोचा ही नहीं था ना क्योंकि मैं तो मेरे ख्याल से कोई तीन या चार साल का था तब से ही एक्टिंग कर रहा हूँ हाँ, मतलब मुझे पढ़ा नहीं है? वो घर वाले ना धक्के दे के पढ़ा रहे थे हाँ। और uh, मैंने जैसे बी कॉम किया वो मैं जानता हूँ मतलब मुझसे जब लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ यार यू हैव नो है मुझे याद है मैं हम एक फिल्म की शूट पर थे पना नाम था उसका साहेबा जी रैमबोज वाइफ और मैं इधर गाने की शूट हो रही है और यहाँ टेबल पे हमारी किताबें लगी हुई हैं साथ में पेपर्स चल रहे हैं सो oh. so, वो भी उस वक्त कॉलेज में थी मैं भी उस वक्त कॉलेज में था oh. और हम पढ़ भी रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं तो ऐसे हमने काम किया जमानेट्स ए वेरी इंस्पायरिंग थिंग ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ यू uh, नो you know, काम भी कर रहे थे आज के जो हैं नौजवान जो है पाकिस्तानी बाहर के कल्चर में है ये छोटी सी उम्र से

है ही नहीं उस दिमाग का तो वो तो जिधर है वो उधर खुश है सो हाँ. so, बस फिर मैं लगा रहा डाउनफॉल भी आया के भी हाँ, भी हुई थी। कुछ तीन, तीन चार महीने तकरीबन ब्रेन हेमरेज के बाद उनके सो बिन थ्रू विध लॉट ऑफ प्रॉपर्ट वेरी यंग एज ऑल्सो न आपकी तो, काफी उमर कम थी 17? मैं ही वी आर गोइंग थ्रू विद डेट तो वो लेकिन मैं उस वक्त फिल्म कर रहा था और मुझे याद है जब मैं पहली फिल्म की शूट करके आया था hmm. तो अब्बा का ये काम होता था कि वो अपने दोस्तों को जमा करते थे hmm. स्टूडियो जाते थे hmm. वहाँ जाके वो रश जो होते हैं उस वक्त तो थर्टी mm फाइव एम एम शूट That's होता right. था yeah. तो वो ब्लैक एंड वाइट रशेज़ होते थे mm. वो प्ले करके और वो दिखाते थे सबको अच्छा ना उसमें साउंड है ना वो एडिट हुआ हुआ है mm. उनको वो वो भी देख देख के ना मज़ा आता था बट mm. जब मेरी पहली फिल्म लगी तो ही वॉज ऑन द बेड और कोमा में थे oh, तो sorry. मैं यही उनको कहता रहा कि मैं मैंने कहा कि यार उठ जाए यार देख लें चल के But, uh, बड़ी मुश्किल बहुत मुश्किल टाइम था सुन मैंने ये भी सुना है कि आपके उनके इलाज के लिए आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ा जी प्रॉपर्टी बेचनी सब सब बिक गया सब बिक गया तो आप अकेले थे जी और और ऑब्वियसली फैमिली तो थी लेकिन फिर आप कैसे सरवाइव कैसे आपने घर चलाया फिर उसको? Uh, उस वक्त अम्मी भी कर रही थी काम हाँ. आ, uh, वो बहुत सपोर्ट oh, किया really? वो एक्टिंग Uh, really? हाँ. माशाल्लाह से okay. तो अम्मी बहुत सपोर्ट कर रही थी मुझसे hmm. जितना हो सकता था मैं अक्सर कभी बताता हूँ तो आ, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये बातें नहीं किया करो तो मैंने कहा यार क्यों नहीं यार लोगों लो, को पता, पता होना चाहिए कि यू नो जब हम फिल्म करते थे अब अब का मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है आ, हमें दो सौ रुपये मिलता था टू हंड्रेड रुपीज़ तो मैं hmm. वो दो सौ रुपये बचाता था किसी तरह से कि यार चलो घर में थोड़े वो यूज़ हो जाएंगे चल so, के जाते थे पैदल जाता था अच्छा हाँ अच्छा क्या पैदल जाते थे। तो वो खैर बहुत सारी चीज़ों से गुजरे एक दफ़ा तो ये हो गया कि हमें ये अब्बा की डेथ की बात की बात है कि हम एक घर में थे और वो किराया नहीं दिया था तो उन्होंने सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और वो सारा कुछ तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी है जिंदगी में पर... काफ़ी काफ़ी ड्रामा है मेरी जिंदगी इसलिए तो इतने ड्रामे करता हूँ आई थिंक मगर इन चीज़ों से इंसान बहुत जल्दी मचोर भी होता है हाँ. और जब इतनी यंग एज पे एक ट्रेजिडी हो जाती है तो वो कहते हैं ना कि ऑब्वियसली आप बहुत क्लोज थे आपकी मैं आपकी शक्ल ही देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है बातों से लोग पढ़ते हैं चीज़ें लेकिन पता चल जाता है कि वट योर फादर मैन क्योंकि वो आपके रशेस देखते थे जाके जिस तरह आपने बताया तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं और हर्ट को टाइम लगता है ट्रॉमा को टाइम लगता है उससे निकलने में मगर ये नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में आपको ना टू कंटिन्यू देखें आपकी अम्मी ने भी काम किया आपने भी किया आपने मिल किया दोनों खेले हैं बेसिकली देर इज़ नो सिबलिंग भी नहीं है कोई यू you नो know, तो सपोर्ट नहीं है बट um, मैंने ये भी पढ़ा था कि आपके अबा ने आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हर चीज़ में डाला हुआ था हॉर्स राइडिंग पर क्रिकेट का तो मुझे पता है एवरीबडी नोज़ बट <laughs> हमें ये भी पता है मुझे मैंने ये स्विमिंग डांसिंग क्लासिकल डांसिंग क्लासिकल डांस भी आता है आपको हाँ उस वक्त वो जब मैं फिल्म करने लगा बिकॉज जो डायरेक्टर थे मेरी पहली फिल्म के अल्लाह जन्ना नसीब करे अशरफ शराजी साहब वो बेसिकली ही वॉज अ choreographer ओके सो जब मैं फिल्म करने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छा डांस करते हो बट आई वॉन्ट यू टू लर्न सम बेसिक्स Hmm. तो मैंने कहा ठीक है सो so, वो सम बेसिक्स के चक्कर में तीन महीने उन्होंने जो है क्लास <laughs> कथक uh, नाट्यम हाँ थोड़ा, थोड़ा जो है ताकि यू नो डांस करते हुए तुमने तो देखा है मेरा डांस ताकि ऑफ बीट भी आप डांस कर सकें hmm. आप ले छोड़ के पकड़ते हैं कहाँ hmm. पे क्या करना है तो वो थोड़ी टेक्निकलिटीज आपके पास आसान हो जाती हैं आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप एक एक्टर बनने चाहें तो आपको बहुत सारे चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये तो एक ट्रेनिंग होती है हमारे पाकिस्तान में नहीं होती बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं में राइट ग्रूमिंग होती है uh, हर चीज़ आपको सिखाई जाती है अगर आप जूडो कराटे भी सीख लें ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेंटेंटन एक्शन एक्शन भी सीखा हाँ। माइम सीखा बहुत जरूरी था उस जमाने में बिकॉज ऑब्वियसली आप आप जब फाइट कर रहे हैं आप जनवन फाइट्स तो नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पर देवर एक्शन डायरेक्टर्स जो के बाकायदा वो सिखाते थे फिर स्टूडियोज़ uh, में राइडिंग सिखाई जाती थी mm -hmm. फिर बड़ा कुछ यू नो बीन थ्रू विद लॉट ऑफ थिंग्स छः महीने तो समझेंगे कुछ और ज़िंदगी में था ही नहीं मेरे बट mm -hmm. mm -hmm. ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ yeah. ये सिर्फ ये नहीं बल्कि mm -hmm. मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमें डेली बिठा के उर्दू के लिए जो है उर्दू साफ हो mm -hmm. तो डेली हमारी वो क्लासेज होती थी बिकॉज mm -hmm. uh, थोड़ा सा एक्सेंट जो है वो बिगड़ा हुआ था स्कूल और कॉलेज की वजह से लाहौर में रहने की वजह से हाँ। तो वो थोड़ा उस पे पे भी हल्का हाँ, सा आ गया हाँ, था हालांकि हाँ। घर में बिल्कुल नहीं था हाँ। घर में तो उर्दू ही बोली जाती हाँ। थी पर एक एक हल्का सा था वो हाँ। तो वो सही हुआ फिर डांस फिर फाइट फिर स्विमिंग तो राइडिंग बिकॉज हर कुछ भी आप फिल्म में तो यू नो कुछ भी आ सकता है करने के लिए आप देखें आज भी दुनिया में बड़े बड़े एक्टर्स हैं कितनी प्रैक्टिस करके फिर वो फिल्म की तरफ आते हैं मतलब जो के साबित कर चुके हैं सारा कुछ कोई उनके पास कोई बीस सुपर हिट फिल्म हैं लेकिन जब भी वो आते हैं यू नो दे डू समथिंग के यार नहीं हमें इस चीज पे एक पे काम करना है हमें इस चीज पे काम करना है सो so, तो जरूरी है इम्पोर्टेंट बात है कि आप ऐसे ही नहीं उठ के इंसान एक्टर बन जाता आपको वेट भी पुट ऑन करना पड़ता है वेट लूज़ भी करना पड़ता है आपको अगर आपके पास एक ब्रिटिश एक्सेंट है तो आपको अमेरिकन एक्सेंट लाना पड़ता है अमेरिकन सदरन एक्सेंट लाना पड़ता है yeah. अगर आप यू नो स्लाइटली स्पेनिश कोई प्ले कर रहे हैं तो वो भी आ जाता है बीच में सो so ये लोग समझते हैं बड़ा आसान है कि खूबसूरत होना है बस खूबसूरत और बॉडी बनाने से नहीं होता है एक्टर एक्टर तो yeah. होते हैं हर किस्म के एक्टर होते हैं नवाजुद्दीन इज़ एन एक्टर राइट आपके कैरेक्टर एक्टर्स भी होते हैं बट ऑबियसली हीरो जो होता है बनना हीरो बनने के लिए तो फिर बहुत

पानी के अंदर सांस बंद सांस रोक के hmm. वो नौ मिनट गुजार सके उसकी प्रैक्टिस की है उसने नौ मिनट तो कोई नहीं कर सकता नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड साढ़े तेरह मिनट का है really? और टॉम क्रूज को बीट किया अभी केट विंसलेट ने लुक एट दीज अमेजिंग एक्टर्स सो यू नो काम इस तरह से होता है well, आपको ये सब कुछ पता भी है ये भी बहुत बड़ी बात सो ah. so, फिर बहुत सारे चाइल्ड प्लेस किए और उसके बाद आपने आ, फिल्में भी कर ली फिर चार साल में फिल्में फ्लॉप तो, भी हुई फ्लॉप भी हुई वो कोई बैरी बॉडी ऑफ वर्क यू सी आई थिंक थिंको बॉडी ऑफ वर्क ज़रूरी हो तो उस ज़माने में फिल्में बहुत मुख्तलफ थी जो अब बन रही हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ थी बट फैसल दैन आपने uh, ड्रामे जब किए हैं पी टी वी पेन आई थिंक द फर्स्ट जो ड्रामा था जो आपको लेके गया था वो टोबा uh, टैक्सिंग था बिल्कुल टोबा टोबा फ्रॉम

पूरा पूरा लिखा हुआ था अच्छा बूटे से पहले इतफाक ये हुआ था कि मैं एक प्ले कर चुका था मझधार अच्छा। जावेदाल साहब का और उसके बाद मैंने एक जिन पे तकिया था किया था और एक मैं कराची में करके गया था इंसानियत सईद रिजवी साहब का बिकॉज मैंने आखिरी फिल्म सईद रिजवी साहब के साथ की थी अच्छा। कराची में आ, मैं सऊद मोहसिन भाई आ, हम लोग थे उसमें और तो वो सईद भाई के साथ एक बड़ी अच्छी रैपो बन गई थी तो सईद भाई ने कहा मैं एक सीरियल बना रहा हूँ तुम लोग करो तो मैं था सलीम शेख था सायरा खान थी okay. और काफ़ी सारे लोग थे रऊफ लाला वॉज देर लेकिन वो रिलीज बाद में हुआ पहले बूटा रिलीज हो गया okay. और बूटा वॉज सुपर और बूटे के बाद फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा नहीं देखा नॉज कॉमेडी इट वॉज नॉट कॉमेडी द कैरेक्टर वॉज कॉमिका फ्राम टेक स्टोरी बट इन कॉमिक वे इसका कैरेक्टर ऐसा था बाकी सीरियस ट्रैक था बाबर का और फरा का बड़ा सीरियस ट्रैक था काशिफ का बड़ा सीरियस ट्रैक था मिशी के साथ आ, मारिया का बहुत सीरियस ट्रैक था ये कैरेक्टर था जो कि गांव का रहने वाला है हाँ। और सीधा साधा आदमी है हाँ। है वो चौधरी का बेटा है लेकिन हाँ। बिल्कुल मासूम सा है हाँ। तो वो बस लोगों को पसंद आ गया अल्लाह का शुक्र है हाँ। और चल सो चल हो गया काम अच्छा हाँ वो होता है ना कोई एक एक कैरेक्टर किसी को बहुत पसंद आ जाता है

आ, यावर साहब के साथ किया अनुसार ठाकुर के साथ किया मोहम्मद निसार साहब के साथ मेरे आ, प्लेस थे बहुत सारे जो वो स्पेशल प्लेस करते थे ड्रामा एटी फोर ड्रामा ऐटी टू ड्रामा ऐटी सिक्स ड्राम तो वो उनके वो एक स्पेशल प्लेस होते थे आ, निसार साहब के ये वो कराची में थे नहीं ये सब लाहौर में थे अच्छा। मूव कराची हुआ हूँ तो उमराव जाना था सो oh, okay. so मैं years. तब आया था hmm. uh, उमराव के लिए hmm. और तब से फिर कराची ने मैं बताता हूँ लोगों को हम शूट पे थे hmm. uh, उमराव की hmm. तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो वो बाल बाल लग रहे थे गेटअप हो रहा था कमाल साहब गेटअप कर रहे थे तो अदान सिद्दीकी की न होता है और मुझे यूं करके देखता है कहता आर रूट्स आर कॉलिंग यू बैक मैंने यूँ करके देखा मैंने कहा मतलब कहता तू तो आप वापस नहीं जाएगा मैंने कहा भाई मेरे तीन प्ले लाहौर में चल रहे हैं तू तो क्या बातें कर रहा है यार कहता मैं तुझे कह रहा हूँ तू तो वापस नहीं जाता मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं और वही हुआ कि बैक टू बैक ड्रामे मिलने शुरू हो गए फिर हमायूँ ने पता नहीं कोई सात आठ ड्रामे तो हमायूँ और अब्दुल्ला जब साथ होते थे तो इन्होंने कोई सात आठ ड्रामे मुझे करवा दिए तो वो इतना काम एकदम से आ गया मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है तो मैंने कहा तो जाना ही नहीं बनता नहीं बना आ, वो एक बात भी रहेगी उसमें फिर में। हर जाए भी थी हरजाई भी था मेरा एक जिसने एक्चुअली इमेज चेंज किया था मेरा तो और बहुत सारे प्लेस फिर विच मीन वॉट क्या इमेज था पहले और वो बूटे वाला इमेज बन गया था बोला हाँ बोला तो जब मीमी ने मुझे मेरीन ने मुझसे ये करवाया हर तो वो तो बिल्कुल ही इमेज चेंजर था मेरा बिकॉज़ वो यू नो हल्का सा ग्रे कैरेक्टर प्लेबॉय सो हीरो हीरो विलन हीरो दोनों मिक्स्ड तो वो लोगों ने कहा कि अच्छा यार ये ये अच्छा इस तरह भी कर सकता है ये बट दैट्स अ गुड एक्टर ना जो कि हर चीज कर सके अच्छा, अच्छा अब लेट्स टॉक अबाउट <clears throat> पहला इश्क पहला क्रश पहला क्रश बता दें छोटी उम्र में भी हुआ होगा ना आ uh, बहुत पुरानी बात है हाँ बचपने में तो पहला क्रश तो बाबरा जी थी रियली हां वाओ सो अम्मी बताती हैं कि मैं तो एक शूट पे जाके बैठ गया था रियली हां कि आई वांट टू मैरी हर तो ये तो सॉलिड इश्क होता है शादी छोटा जाना आदि तक वादा क्रश तो खैर जाहिर सी बात है वो एक्चुअली नदीम साहब और बाबरा जी हाँ। इतनी मैंने उनकी फिल्म्स देखी हैं फ्रॉम चाइल्ड हुड वो हमारे घर में वो सीन ही ये था कि वो पाकिस्तानी फिल्में जरा ज्यादा हाँ। तो नदीम साहब का तो मैं आज तक फैन हूँ और उनके काम को तो मैं आज भी उसी तरह से देखता हूँ हाँ। लेकिन बाबरा जी मुझे बड़ी पसंद थी जेट का उन्होंने ऐड किया था वॉशिंग पाउडर का ऐड था दो उनके वो जो रिंगलेट थी वो यूं यूं लहरा रही थी मुझे भी अभी तक याद है जब मैंने उनको पहले देखा था आई थिंक वहीं से शुरू किया था उन्होंने काम तो वो बाबरा जी वाज लाइक शी इज क्लासिक माशाल्लाह ओके सो दैट वाज द फर्स्ट क्रश बहुत बहुत पुरानी बात है बट रियल क्रश की बात करें फिर जब दिल जब खो लिया तो वो कौन सी कहानी है अरे वो बड़ी लंबी कहानी है कुछ जिंदगी में गलतियाँ भी हैं हम सब करते हैं हाँ सीखा बहुत कुछ अच्छा क्रश में रोमांस में शायद थोड़ी ऊपर नीचे चीजें चलती रही लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है पिछले बारह तेरा साल से वेरी काम भी करती है मुझे भी पता है वो तो बड़ी एक्टिव है

मैं आ, हम अवार्ड शो पे थे और मुझे अवार्ड नहीं मिला हिमायों को मिल गया oh. तो बट आपको मिल चुका है स्टाइल मुझे उसके बाद मिला था अच्छा, उसके नेक्स्ट ईयर मुझे मिला था अच्छा, क्योंकि जब भी नॉमिनेट होता है तो हिमायू को मिलता oh, है अवार्ड सो दोस्त है भी दोस्त है मुझे खुशी होती है तो अब इजाज असलम की हरकत ऐसी थी मेरे आगे आगे चल रहा था मैं के पीछे ना बड़ा सैड मूड में मैं चलता हुआ जा रहा हूँ सवेरा ने मुझे कहा लाहौर से दोस्त मारिया भी हम सारे पुराने दोस्त वो अब दोस्तों बकअप कर रहे हैं इट्स ओके होता है यार नहीं, कोई नहीं, नहीं मिला नहीं, नहीं, मिला, नहीं, नहीं मिला छोड़ इसको अब एजहाज मेरे आगे चल रहा हाँ। तो आगे कहीं हिमायू आया तो एजहाज ने हिमायू को ही कह दिया अब भाई ये तुम्हारा नहीं था ये तो इसका देखा मुंह करके देखा मैंने कहा यार ये कौन आदमी है सो so, मैंने याद से कहा मैंने कहा अबे भाई नहीं जो बात सच्ची है हम तो वही करेंगे मैंने कहा अच्छा भाई वो फिर वो अगले दिन हम शॉपिंग पे निकले घूमे फिरे हम दो तीन दिन वहाँ रुके थे

अच्छा मशवरा करना है ना अगर इजाज़ से तो ठीक है मैं करता हूँ मशवरे लेकिन अगर आपको जिंदगी में कोई कारोबार के हवाले से कोई मशवरा करना है Because काफी पहले उसने न हाँ. दूसरी चीजें शुरू कर दी थी एक्टिंग के अलावा भी वो बी अ मॉडल एंड देन उसके बाद उसने वो सब ड्रामे शुरू कर दिए फिर साथ साथ आई हाँ, 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 भी है एक बिजनेस फिर उसने वहाँ पे बिल बोर्ड बनाने शुरू कर दिए उनकी स्कॉच नो लर्न करता हूँ कभी कभी मैं नहीं हूँ उस तरह से बट बहुत मेहनती है बदनामान बहुत मेहनती है जाज भी है मायूं भी है, हुँ। हुँ भी है आप लोग सब वैसे ही लगते हैं जो 20 साल पहले लगते थे आई हैव टू से तो हम पहले बड़े लगते थे आई थिंक सो बिकॉज आई थिंक अब वी डोंट टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग एंड थिंग बट यू नो फिटनेस विद एज बहुत जरूरी बहुत होती जरूरी है ताकि आप ज्यादा जी सकें और ज्यादा काम भी करना होता है और, और हेल्दी हेल्दी ये इट्स नॉट अबाउट कि कि आप जी है। जी हाँ. बात ये है कि आप ज़्यादा जी बात है बोझ ना बने बोझ और अच्छा जो जितनी भी आपकी जिंदगी है वो अच्छी हेल्दी गुजरे तो आपने क्या किया आपने दोस्तों से मशवरे लिए लेकिन हाउ डिड यू लूज ऑल हाउ डू की भाई मैं आ, मेरा तो ये हिसाब किताब चलता रहा आ, बूटे में मैंने वजन गेन किया hmm. बूटे के बाद मैंने फिर वजन कम किया जब मैंने उमराव किया मैं hmm. बहुत पतला हुआ हुआ था hmm. और मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा सर्वाइकल उड़ा तो उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा टायर बस्ट हो गया था टर्न पे गाड़ी का गाड़ी का तो वो बड़ी अल्लाह ने बचत की गाड़ी मेरी टोटल हो गई थी लेकिन मैं बच गया लेकिन मेरा सर्वाइकल हाँ वेरी सीरियस चार महीने वो कॉलर के साथ और वो लटकाना और वो सारा कुछ तो मैंने कहा ना जिंदगी में मेरे बड़े ड्रामे कहीं ना कहीं एक ऐसी ट्विस्ट आता है जिंदगी हाँ। में कि वो कहानी में फिर से मज़ा आ जाता है जीने का तो खैर उससे फिर मैं निकला फिर आई मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की आ, फिर मैंने एक्सरसाइज करके फिर काम किया उसमें कुछ दो ढाई साल लगे मुझे आ, फिर उसके बाद खाने पीने का शौक है फिर वज़न बढ़ गया फिर कम किया hmm. फिर मैंने फ़ाइनली बहुत कम किया तो मुकद्दर हम कर रहे थे एक सीरियल में hmm. तो शेरसात ने मुझे देखा और उसने मुझे कहा नहीं हाँ तुम तो नहीं 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 मुझे ज़रा चाहिएवी चाहिए फिफ्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड एक मतलब पॉलिटिशियन है तो hmm. मुझे तो जरा हेल्दी चाहिए hmm. यार मैंने कहा इतनी मुश्किल से काम किया यार कहती नहीं नहीं बढ़ाओ बढ़ाओ वज़न बढ़ाओ वज़न बढ़ाओ थोड़ा सा वज़न बढ़ाओ

होस्टिंग भी आपने बहुत की है होस्टिंग तो मैं हाँ। uh, फरिया आई uh, स्टार्टेड मैं जब आया हूँ कराची हाँ। दोन से 2003 से मैंने 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 होस्टिंग शुरू शुरू कर दी थी। I remember, मैंने आपके काफी मैंने ARY ने मुझसे करवा तो बहुत बात की बात हाँ. है। पहले बहुत छोटे छोटे, 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 छोटे शोज हम करते थे गेम शो करता था मैं मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं क्या करूं मेरी रोटी रोजी नहीं है लेकिन इतनी मल्टीटास्क करना और फिर हार्ली डेविडसन भी चलाना बॉयज हाँ, के साथ जाना और फिर यू नो क्रिकेट अब हो गया हाँ, किया है के, हाँ। अब जैसे जब से फरमान पैदा हुआ तो मैंने बाइकिंग बिल्कुल बंद की okay. मैंने कहा बिकॉज होता ही है कि आप फ्राइडे की है? नहीं डेंजरस नहीं लेकिन ये क्या फ्राइडे की रात को आप बैठे हुए या सैटरडे की रात को अगले दिन छुट्टी है रात को पॉप अप होता है मैसेज अप फॉर द राइड तो आप कहते हैं कि अच्छा चलो यार चलते हैं तो पता लगता है कि आप निकले और सुबह सात बजे वापस आ रहे हैं सारी रात बाइकिंग करके फिर प्लान बन रहा है जैसे अभी भी अ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो खुजरा आपके लिए निकले हैं तो वो अभी कह रहे थे मुझे मैंने कहा यार भाई काम भी है फैमिली भी है उनको भी देखना right, right. है मैं तुम सारे बहुत अमीर लोग हो uh. मैंने कहा हमें यही काम करना है well, कभी कभी वो आता है ना टाइम के फिर वापस आप भी जा सकते हो उसके आ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फरमान uh. फिर उसके बाद आई विल टेक हिम और क्रिकेट? क्रिकेट क्रिकेट चल रही है क्रिकेट वीक में एक दफ़ा दो दफा ट्वाइस अ वीक या आफ्टर टू वीक्स कुछ ना कुछ क्रिकेट चलती रहती है प्रैक्टिस तो चलती रहती है थोड़ी बहुत

सेवेंथ में जा रही है तो अब उसकी पढ़ाई ज़रा और मुश्किल होने वाली है तो वो फिर आजकल आपको पता है बड़े मसले हैं कि उर्दू पढ़ाते नहीं हैं स्कूल्स में और मुझे चाहिए कि मेरी बेटी जो है वो उर्दू हाँ में, में मेरा भी एक बहुत बड़ा रिग्रेट था हमारा एक ही पूरे दिन के अंदर पीरियड होता था क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स में सारे अंग्रेजी में होते थे और फिर मैंने एक्चुअली उर्दू शायरी सीखी वापस आके पाकिस्तान कॉलेज के बाद और मुझे ये रिग्रेट है क्योंकि इतनी तो मैं उसको उर्दू है। अभी से उसकी चल हाँ। रही है उसकी कुरान क्लासेस हैं तो करते करते बेचारी को फारग होती है शाम साढ़े हाँ। पाँच छः बजे तो हुई भी होती है हाँ। तो अच्छा फैसल आप एक एक्टिविस्ट भी हैं यू नो आपने मेरे साथ भी आ, एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आप आयत भी आई थी आई रिमेम्बर दैट चाइल्ड uh, अब्यूज़ के ऊपर बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बहुत आप उसको बहुत सीरियसली लेते हैं मैंने uh, मैंने जब भी आपको किसी चीज़ के लिए भी फ़ोन किया है आपने कभी मना नहीं किया है मैंने ये नोटिस किया है uh, ओब्वियसली ये तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको पूरे मुल्क को ही अफ़ेक्ट करती है बट कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको लगता है कि हमारे मुल्क में तो बहुत सोशल प्रॉब्लम्स हैं आप किस किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कौन सी चैरिटीज हैं जिनको सपोर्ट करते हैं या मुझे बताएंगे आप चैरिटीज़ में तो देखें जितनी चैरिटीज हैं मेरी कोशिश होती है कि जो भी कॉल करता है हम yeah. कि फैजल भाई चाहे वो ज़फ़र हैं चाहे, है, चाहे वो बैतूल सलाम है चाहे वो अपना हुनर फाउंडेशन है टी, टी है, कोई भी है या इंडस वाले हैं कोई भी जब भी फोन करते हैं आई एम देयर फॉर देम मैं कहता हूँ जी बताएं क्या करना है इफ़ आई एम अवेलेबल मैं hmm. कहता हूँ जी बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ आप जो बोलें right. मैं आपके लिए सैलानी वाले हैं ईदी hmm. वाले हैं सो yeah. so, uh, बात यह है कि उनके लिए मैं करता हूँ काम hmm. फिर बाहर से भी बहुत सारी एसोसिएशन hmm. हैं जैसे मैं बाकायदा तौर पर सुकून के साथ काम कर रहा हूँ hmm. uh, उसमें वो uh, जो uh, बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं मूव नहीं कर सकते उनके लिए व्हील का काम करते हैं उनको छोटे बिजनेसेस खोल के देते हैं फिर मैंने एक काम किया यूके जाके जिसमें हमारी कोशिश थी कि सिंध में पानी के कुएँ और पानी का ये वाले मसले जो हैं ये भी हल किए जाएँ सो बात यह है कि जहाँ पे जो कॉल करता है hmm. आ, इस किस्म के किसी काम के लिए hmm. बट आ, जो हमने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था वो हमने जैनब की दफा yeah. हम बहुत एक्टिव हुए थे yeah. सारे बिकॉज uh. वो बहुत अनबेरेबल एक चीज है hmm. हमारे मुल्क में hmm. uh, जिस पे अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हुआ है वरना यू कंट्रोल नहीं थोड़ा सा फरिया वो तो एक एक उन दिनों तो मैं याद है बैक टू बैक ये चीजें शुरू हो गई थी बिकॉज देर इज नो पनिशमेंट सो so, जब इस तरह की कोई पनिशमेंट नहीं है लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं तो तो लोगों को आसानी तो हुई टैक्स बहुत जरूरी था तो हम मुझे हुँ। मुझे हुँ। याद है कि हम पहले दिन जब गए सो असम्बली के बाहर सिंध असम्बली के बाहर उन्होंने हमें रोक लिया मैंने कहा भाई क्यों रोक लिया तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते मैंने कहा हमें मिलने तो दो फिर अल्लाह का शुक्र है वहाँ मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी तमाम पार्टीज़ की जो खुतिन थी उन्होंने हमें अंदर बुलाया मारिया थी मैं था आयशा, उमर हुँ, हुँ। आ, 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 काफी सारे लोग थे हम उन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया सबने मिल फिर उसके बाद साकिब साहब के पास हम गए साकिब साहब ने चलते हुए केस के बीच में उन्होंने जब हमारी शक्लें देखी तो उन्होंने कहा कि एक मिनट भाई ये सारे यहाँ क्यों खड़े तो परवीन आपा मैं हसन हम अदनान अल्ला जिंदगी दे हिना तो हिना ब्यात तो हम खड़े हुए थे तो हाँ उन्होंने हाँ तो हम खड़े हुए थे उन्होंने साकििब साहब ने ऐसे करके देखा उन्होंने क्या मसला हमने कहा सर ये मसला तो उस पर हमने फिर काफ़ी एक्टिव होके काफ़ी काम किया लेकिन ऑब्वियसली फरिया मुझे याद है जब वो चाइल्ड अब्यूज वाली कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैं एक ही बात कह रहा था कि हमें थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ सज़ाओं को सख्त करना पड़ेगा आप देखें सजाएं सख्त ना होने की वजह से एक आदमी मोबाइल छीनता है किसी को गोली मारता है चोरी का केस पड़ता है ढाई महीने के लिए अंदर जाता है फिर बाहर आता है फिर वो हरकत करता है फिर पकड़ा जाता है फिर अंदर जाता है फिर दो महीने बाद बाहर आ जाता है फिर वो अर... क्योंकि उसको पता है कि यार एक डेढ़ महीना दो महीने बस आप उससे तो वो यही करता रहेगा जब तक आपको थोड़े से कवानी सख्त नहीं होंगे तो आप कैपिटल पनिशमेंट में बिलीव करते हैं एक्चुअली नॉट देट मच लेकिन होनी चाहिए। या। नहीं अगर वो देखो बच्चों के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो अच्छा तो लेट्स मेरा, मेरा उस पर ना देखें गुस्सा क्या मतलब समझ में नहीं आता क्या करें मैंने जब मुझे I एक हुआ आई रिफ्यूज बिकॉज मैंने कहा करूँगा फिर मुझे हैवान उसके कोई दो साल के बाद मुझे ऑफर हुआ So, वो मैंने जब पूरा पढ़ा तो मैंने कहा यार ये आ, रिग्रेट एक, एक गिल्ट ट्रिप है पूरा एक एक गलती हो गई जो वो कर नहीं पाया नहीं। और उसमें उस बच्ची की जान चली गई तो पूरा गिल्ट ट्रिप था तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर करूंगा और मैं हैरान था कि लोग उसमें ये कहते थे कि यार इसको माफ कर देना चाहिए इस बेचारे से गलती हुई है किसी बच्चे की जान जाना किसी बच्चे के साथ ज्यादती होना गलती नहीं है सिर्फ वो, वो चाहे कहीं भी नहीं है, नहीं वो चाहे कहीं भी हो I agree. वो किसी भी जगह पे हो वो चाहे मस्जिद में क्यों ना हो hmm. वो चाहे आ, किसी मॉल में क्यों ना हो वो किसी घर पे क्यों ना हो वो hmm. किसी स्कूल में, में क्यों ना हो hmm. कहीं भी क्यों ना hmm. हो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है किसी बच्चे के साथ ज्यादा वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता और अभी जब आपने ये सारा एक्सपोज़ करने की कोशिश की थी अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में तो लोगों ने उल्टा आपके ऊपर इतना ज़्यादा वो बोल दिया था लेकिन मैंने वन ऑफ द रीज़न्स के मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ बैठूं तो एक ही ये बात एक तो क्लियर हो लोगों को और दूसरी चीज़ है कि मैं आपको थोड़ी सी सपोर्ट भी दूँ इसमें क्योंकि नहीं बिकॉज़ uh, क्योंकि मैं इस पर काम करती हूँ मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ इस्पेशली तो जो लोगों को नहीं पता कि ये डार्क वेब है क्या पहले तो लोगों को ये नहीं पता होता कि डार्क वेब है क्या और दुनिया अगर हम दूसरा वेब देखते हैं तो दर एक ऊपर होता है उसके बीच में होता है और एक बिल्कुल ही नीचे होता है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल होता है और लोग बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं चीज़ें देखने के लिए जो कि इतनी खौफनाक और बहुत बुरी है कि मैं बता भी नहीं सकती लेकिन इतना नहीं, भी आप आप, आप, हाँ, मैं आप आप देख रही हैं हाँ, आप मुझे बताएं हाँ, वो जो 2017 में बंदा पकड़ा गया हाँ, था कितनी आधा हाँ कितनी उसने वीडियो अपलोड की थी 150 टेराबाइट और बच्चों की और साढ़े तीन हज़ार पाँच हज़ार रुपये वो पेरेंट्स को पता नहीं होता है ना वो कहता है कि जी मैं इनको गेम सिखा रहा हूँ या वीडियोस इनको बना रहे हैं और वो उनके साथ वो हरकतें कर अच्छा, के। लेकिन फिर हाँ, मैं सॉरी आपकी बात हाँ, काट रहा हूँ जिस हाँ, जिस चीज़ पे हमने प्रोग्राम किया हाँ, अच्छा मैं उसका इल्ज़ाम नहीं देता हूँ किसी को क्योंकि वो उस बात को गलत अंडर अंडरस्टैंड कर गए राइट right. वो उसको ना जर्नलाइज कर गए उस बात को मुझे अभी परसों भी किसी की ट्वीट आई हुई थी मरदान में एक बच्चे के साथ कुछ हुआ उस पर किसी ने मुझे ट्वीट की हुई थी तो मैंने यही कहा मैंने कहा इनको ना गलत गाइड कर दिया है या ये गलत अंडरस्टैंड कर गए मैं उस पर उनको भी कसूरवार नहीं कहता वो भी भलाई चाह रहे हैं इस मुल्क का तो उनको ये लगा कि मैं शायद जर्नलाइज कर रहा हूँ एक 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 ब्लेसफेमी को और मैं इसको प्रवोक करने की बात कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं था बात ये थी कि हम एक सर्टन ग्रुप की बात कर रहे हैं ठीक है जिस पे पाकिस्तान में एक काउंसिल बनाई गई है हुँ. जो इस पे काम कर रही है ठीक right. है फरिया मुझे जब उन्होंने वो वीडियोस दिखाई या जब वो पिक्चर्स दिखाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ज़मीन पे हूँ या मैं मर चुका हूँ yeah, या मैं जिंदा रहूँ या मैं मैं अपने आप को मार लूँ मेरी ये वाली कंडीशन थी अच्छा दो तीन दिन नेट पे ही हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें वो वीडियोस हमारी शेयर हुई और ख़वान ने उस हवाले से बड़ी बातें लोगों तो आपस में डिस्कस हुँ, की हुँ. कि यार बच्चों के ऊपर इस वक्त बच्चा आप यहाँ बैठे हैं बच्चा अंदर बैठा है लैपटॉप पे काम हो रहा है बिकॉज़ इस वक्त अगर बच्चा फिफ्थ ग्रेडर से ऊपर है हुँ. तो बच्चा लैपटॉप पे काम करता है बच्चे के पास मोबाइल भी है बच्चे को नहीं पता कौन सी एप्लीकेशन खोलनी है कोई चीज़ पॉपअप होती है उसको कैंसिल करना है या उसको क्लिक कर देना है right. सो so, आपने किस तरह से वो सारी पॉपअप्स बंद करनी है Exactly। पेरेंट्स को नहीं मालूम। पेरेंट्स को yeah. नहीं मालूम। सो so, हम वो जो पूरा प्रोग्राम कर रहे थे हम उस हवाले से कर रहे थे उसमें होता ही है बच्चे फंसते चले जाते हैं फते चले जाते हैं फंसते चले जाते हैं और एक टाइम ये आता है कि बच्चों से वो 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 हरकतें करवाते हैं वो वो चीज़ें करवाते हैं जो कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता मतलब मैं आपको सिर्फ एक केस बताता हूँ उसमें कि जब बच्चा पकड़ा गया तो उसकी वालदा गई और वालिद भी गए छुड़वाने के लिए भाई ये हमारा सोलह साल का बच्चा है आपने कैसे उठा लिया और उसके जो वालिद साहब थे बकायदा ये दाढ़ी वाले अच्छा हाजी religious 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 हाँ साहब रिलीजियस रिलीजियस फैमिली का बच्चा उठा लिया जब वो गए तो वो जब इंस्पेक्टर था अच्छा लोग बैठे हुए थे हाँ, इन्होंने को तीन चार लोग उठाए थे तो उसने कहा कि आप फल की वालता है हाँ, तो उसने कहा आपको कैसे पता कहता हाँ, आप उसको छुड़वाने आई हैं कहती हाँ, जी कहता आप मेरे साथ अंदर आइए हाँ, और ये आप जरा वीडियो देखें तो उसी औरत की नेकेड वीडियो थी जो उसके बच्चे ने बनाई थी बिकॉज वो उस बच्चे को टास्क मिला था सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि चल रही हैं hmm. जिसपे हम काम कर रहे हैं hmm. मैं क्या काम कर रहा हूँ ये लोग कर रहे हैं hmm. मैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे सकता था right. hmm. तो वो उन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया hmm. है इस चीज को hmm. मैं उनको भी गलत नहीं कहता हूँ रीजन ये है कि वो भी भला चाह रहे हैं वो नहीं चाह रहे कि इस तरह से नारकी फैले और एक छोटी सी बात के ऊपर किसी को मार दिया जाए जैसे मशल के साथ हुआ उस पर सबसे पहले मुझे याद है आ, मैंने जब शो किया था ए आर वाई पे तो मुझे कह रहे थे कि यार ये इतना हैवी टॉपिक था ये न्यूज़ का टॉपिक था तुम तो एंटरटेनमेंट चैनल पर क्यों कर रहे हो मैंने कहा क्यों ना करें यार एक बच्चा एक गलत अकाउंट बनने की वजह से फेक अकाउंट पे मारा गया है यार सो so, हमें तो उस पर बात करनी चाहिए सो so, इस तरह के बहुत सारे आते हैं ठीक है अच्छा वो हुआ क्या उसको वो जर्नलाइज कर दिया गया जो पहली वीडियो आई वो जिस तरह एडिट हुई हुई थी उसमें थोड़ा इस तरह से लगता भी है कि वो जर्नलाइज हुआ सो so, वो जर्नलाइज नहीं था अगर एक एक ग्रुप है दहशत गर्दों का जो दहशत गर्दी करते हैं हम तो उनकी बात कर रहे हैं ना हम ये तो नहीं कह रहे कि ये सारे ही ऐसे हैं नहीं हम नहीं कह रहे ठीक है ना एक सर्टन ग्रुप की बात कर रहे हैं या जो आपको मोबाइल छीन के गोली मार रहा है हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं यार ये चोर है हम ये तो नहीं कह रहे कि यार ये सारे ही चोर हैं बट आपको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान इज नंबर वन इन चाइल्ड प्रोनोग्राफी 12% से ऊपर हैं। 12.75 13% इसके बाद ईरान है उसके बाद वैरिया है सोचें तो अगर हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत जरूरी है जो आपका जो ग्रुप काम कर रहा है या काउंसिल काम कर रही है इस पर काम करना बहुत जरूरी है बिकॉज बच्चे इनसेंट होते हैं उनको पेरेंट्स हैव टू बी केयरफुल कि हो क्या रहा है और उनके लिए बहुत जरूरी है कि इन्फॉर्म करें अपने बच्चों को कितने ही तरीके देखें से देखें उसमें हाँ। वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है मैं अच्छा मैं इतफाक है अभी कोई मिला के वो मुझे कहने लगे यार ये या हम कैसे देख सकते हैं डार्क वेब मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता तरीका आज <laughs> तक आपने क्या करना है देख के मैंने कहा आप फिल्म देखते हैं कहते हैं हाँ देखते हैं मैंने ये शो पे ही बताया था आपने मैंने कहा देर आर लॉड ऑफ फिल्म अबाउट दैम मैंने कहा अभी लूथर आई है मैंने कहा वो देख लें आप रेड रूम के ऊपर है मैंने कहा आपकी ये थी स्क्विड गेम थी स्क्विड गेम यह ना हाँ Hmm. ये कौन सी है हाँ, वो जो एक पूरी सीरीज कोरियन जो चली yeah. वो क्या है जस्ट रिसेंटली अ मूवी ब्रिटिश मूवी जिस पे पूरा ये वेब पे दैट्स इट इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने बनाई हैं वो वो साइको पीपल है ना हॉस्टल से शुरू हाँ, हुआ थे हाँ, आपको याद होगा हॉस्टल में क्या था वो यही वाला सारा सीन था कि वो किस तरह से लोगों को मारा जाता है और लोग बैठ के देख रहे हैं फिर उसमें ये बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादतियां हो रही तो ये हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान ऑडियंस भी, भी तो है हमारे पास इस चीज़ की मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान नंबर वन है और वो चाइल्ड प्रोनोग्राफी देख रहे हैं बैठ के दर इज़ अ सिकनेस ये एक सिकनेस है एक फ्रस्ट्रेशन आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट ऑब्वियसली जो बंदे हरकतें करते हैं या बच्चों को रेप करते हैं और ये इस तरह की चीजें आज से तो नहीं हो रहा है आपको जावेद इकबाल वाला केस याद है that, yeah, कब से चल रहा है लोगों को और लोग सुनने के बजाय मेरे कैरेक्टर के ऊपर भाई ये तो लोगों को मरवाने की बातें कर रहा हूँ मुझे इतनी ट्वीट्स आई हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने प्रोग्राम देखा था जिन्होंने उस बात को अंडरस्टैंड किया था उन्होंने मेरी साइड ली और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों कुछ लोगों को समझ आई बात अब अगर कोई नहीं समझना चाह रहा है मैं जबरदस्ती घुस के उसको नहीं समझा सकता अच्छा यू आर अ चाइल्ड एक्टर आपके साथ कभी ऐसे हुआ नहीं अल्लाह का नहीं बचेसली कभी कोई इस तरह से कोई एक चीज जो होती है ना कि दिमाग में हो कि यार किसी ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी नहीं है

ताकि उनको भी पता चले यू नो वी ऑल मेक मिस्टेक्स हमारी सबके बट ट्रॉमा जो होता है इंसान का बचपन से शुरू होता है वो वही चीज़ें हम इंसान को लेकर चल रहा होता है जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते पता है एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं पेरेंट्स को बहुत समझाता हूँ कि देखें एक तो सबसे अच्छे दोस्त आप हैं अपने बच्चों के जो सबसे जरूरी बात है सबसे बड़े प्रोटेक्टर आप हैं अपने बच्चों के या बाप है यह hmm. माँ है hmm. इनसे बड़ा प्रोटेक्टर और कोई नहीं है right. सबसे अच्छे दोस्त भी आप हैं सबसे hmm. बड़े प्रोटेक्टर भी आप hmm. हैं। कोई प्रोटेक्टर नहीं है फरिया hmm. मैंने नौ साल, नौ साल मैंने साल, साल मॉर्निंग शो किया hmm. और उन साढ़े नौ साल में मैंने दो दिन ऐसे रखे हुए थे जब मैं सोशल इश्यूज पे शो करता था। okay. और यूट बिलीव कई दफा ऐसा हुआ hmm. कि ऐसे सोशल इश्यूज आते थे कि मैं कहता था कि मैं ये एयर नहीं लेके जाऊंगा भाई आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप जो मर्ज़ी कर लें मैं ये एयर नहीं करूँगा मैं नहीं शूक बिकॉज रिलेशनशिप्स की धजियाँ उड़ी हुई हैं उनमें अभी बल्कि अभी रमज़ानों में यही अभी पिछले रमज़ानों में एक ऐसा केस आया तो मैं ऐसे करके बैठा हुआ था उन्होंने कहा फैसल भाई ये मैंने कहा नहीं आज हम फिर नहीं करेंगे सोशल इशू तो उन्होंने कहा क्यों मैंने कहा नहीं मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज इस कदर जानवर से भी नीचे चले गए हैं लोग के उनको ये भी नहीं पता कि ये क्या रिलेशन है कि आप बाप हैं वो कौन है वो क्या है ऐसी ऐसी ज्यादतियाँ होती हैं हमारे यहाँ आपको लगता है कि हमारे मुल्क में क्योंकि एक गुर्बत बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन बहुत कम है एजुकेशन बहुत, बहुत कम बहुत है बहुत कम है इसलिए हम इन हम सोशल कॉजेज पे तो आ ही नहीं पाते ना पहले तो आप रोटी कपड़ा और मकान की बात कर लें कि चले जी दो रोटी मिल जाए इंसान को तो उसी के उसी के अंदर तो लोगों को ये इस चो तो लोग आते ही नहीं है क्योंकि हमारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए फिर ऊपर से रही सही कसर जो है वो जो पाते हैं जो चीज़ पता नहीं मुझे सब मैं मतलब कई दफ़ा ना मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ कुछ चीज़ों को कि यार ये कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल कैसे है कि ये तो सगा मामू था ये तो सगा चचा था ये तो सगा बाप था ये कैसे पॉसिबल है ये कैसे पॉसिबल है और हम लोग बहुत जज ही नहीं है आपको लगता है हम पूरी दुनिया को जज करते रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को और बाहर के दूसरे अपने नेबर्स को भी और हम खुद हम अपने वो देखते नहीं है गिरबान में जाके कि भाई यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे इतने इश्यूज़ हैं हम किसी और को क्यों जज करें आजकल तो बहुत सीरियस चीज़ है ना कि किसी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हर नहीं करना ही नहीं चाहिए हाँ। आपको, आपको आपको आपकी सारी ज़िंदगी अपने आप को जज करने के लिए काम है एग्जैक्टली लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं मैं इसीलिए एक तो देखें बड़ा हमें ना मैं जब हम शोज़ कर रहे थे जितने उलमाए कराम मेरे साथ थे मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार और ये इन लोगों की कोई बहुत बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं जिसपे इन लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया है, है कि यार ठीक है कुछ थोड़े से हमारे हैं मसले आपस के और इसीलिए अलग अलग मसलक के लेकिन हम पब्लिकली अब थोड़ा एक काम डाउन करने की कोशिश करें चीज़ों को ताकि एक तरफ से तो मसले और ये हुआ भी है अल्लाह का शुक्र है मतलब मैं लास्ट ईयर भी मैंने शो किया इस साल भी मैंने शो किया वसीम भी कर रहा है आपको कहीं कोई लड़ता हुआ नहीं नज़र आएगा आपस में ताकि लोगों की आपस में ये वाली लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो मसलक के ऊपर ओके फाइन आपका ये मसला क्या है मेरा ये है ओके फाइन ठीक है कोई इशू नहीं है अच्छा ठीक अच्छा, हाँ, है, है हाँ, कि ये अब एक हमने पूरी कोशिश की है हाँ, वरना कुछ लोगों ने तो ये भी कहा रेटिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं ये जो मेरा जेरी स्प्रिंगर शो नहीं कर तो मैंने उसको यही कह रहा था मैं हंस रहा था मैंने कहा देखे अगर रेटिंग के लिए करना हो ना मेरे लिए बहुत आसान है तीन मसलक के लोग मेरे पास बैठे हुए है हैं ठीक है उनको आपस में लड़वाना आ, एक सवाल होता है जिसपे जो आप की तरह आ, काम करता है ठीक है सो so हम जिस बात पे आ, मसला हो सकता है वो बात ही क्यों करें तो अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर भी इस साल भी हमने कोई ऐसी बात नहीं की आ, ना हमने आपस में किसी को लड़वाया आ, तो मैंने कहा तो रेटिंग वाली गेम तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ अच्छा मैंने भी नोटिस किया टीवी पे पहले सारे एक दूसरे के ऊपर तो नहीं पाती थी इन लोगों ने भी आपस में फरिया, देखो, वक्त बदल रहा है। हाँ, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे आ, आलिम बन रहे हैं हाँ, इस तरफ जा रहे हैं हाँ, और वो लेकर आ रहे हैं चीजों को हाँ ठीक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है आप कुछ और सोचती हैं आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है मेरा अलग हो सकता है इनका सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है तो ये चीज़ समझने वाली है और ये लोगों को समझाना हाँ। बहुत ज़रूरी है कि टॉलरेंस हाँ। बहुत ज़रूरी हाँ। है।, हाँ। है लोग पार्टीज़ के ऊपर लड़े जा रहे हैं हाँ। सियासी जमातें हाँ। जो हैं वो इसी बात पे हर आप एक किसी के बारे में लिख दें आप लिख दें जी एक नाम लिख दें लोग आपको गालियां आप देना शुरू कर देंगे आप दूसरे दिन दूसरा नाम लिख दें लोग लोग दूसरे आपको गालियां देना शुरू शुरू कर कर दें तीसरे दिन आप तीसरा नाम लिख लोग आपको गालियां देना तो टॉलरेंस नाम की तो चीज ही नहीं है ठीक है सो उसकी तरफ लोगों को लेकर आना है लोगों को समझाना है अभी वो देखो ना वो हम टीवी हाँ, के हुए हाँ, क्या हुआ हाँ, वो सारे मसले छोड़ के लोग उनको गालियां दिए जा रहे हैं हैं वो कह रहे भाई हम यहाँ पे टिकट के पैसे दे रहे हैं उनको हाँ, सलाब जदगान को तुम लोग हमें हाँ, क्यों गालियां दिए जा रहे हो हाँ, और तुम में से कितने लोग है बाहर निकाल के सलाब जदगान के लिए काम किया है और छोटी छोटी चीजों पे कर लेते हैं कि जी इन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने भाई लिबास को तो छोड़ दो पहले पहले बड़े बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते लोग अच्छा हम टीवी से याद आया सुने आप भी हम टीवी के एक शो पे से उड़ के चले गए थे अब जाते ही नहीं हैं वहाँ पे आप उनको डिफेंड कर रहे हैं विच इज़ वेरी नाइस एंड ऑनरेबल लेकिन आई थिंक uh, कोई मसला हुआ था वहाँ पे वो बहुत पुरानी बात है और बट uh... आप नहीं काम करते हम टी के लिए अभी भी या करेंगे

नाम नहीं लूंगी लेकिन मुझे मैं बता सकती हूँ कि मैं हसन तुमने का तुमने क्या क्या भुगता होगा मैं तो बहुत भुगती हूँ मेरे पर तो इतनी कहानी है कि जब किताब में कभी लिखूंगी लिख भी नहीं सकती मरने ना, के ना। बाद ही निकले तो बेहतर है लेकिन यह कि मैं आपको एक किस्सा बता रही दूँ कि मैदी हसन साहब व्हील चेयर में ठीक है उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड है और उनके लिए कुर्सी रखी गई है ठीक है और एक हमारी एक्ट्रेस हैं यंग नहीं है काफ़ी Uh, अच्छी एक्ट्रेस हैं मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन वो उनकी कुर्सी पे आके बैठ गई और उन्होंने उनकी कुर्सी नहीं छोड़ी रिक्वेस्ट में हालांकि उनका नाम भी लिखा हुआ था तो ये अक्सर होता है ये सिर्फ हमारे आ, जो है प्रोडक्शन वालों का मसला नहीं है मसला आता है कभी कभी एक्टर्स से भी आ जाता है लोगों से भी आ जाता है कि जो कहते हैं कि जी हमें ये कुर्सी मिले अच्छा मैं इतफाक़ी तो, मैं ऑस्कर देख रहा था हाँ काफी बड़े एक्टर पीछे बैठे हुए exactly. जो नॉमिनीज़ होते हैं उनको आगे बैठाया जाता है इट इज देयर राइट फॉर यहाँ पेनलो दे जा रहा है ना और फिर हमें पता होना चाहिए कौन कहाँ बैठा है क्योंकि कोई जीत रहा होता है फिर उनकी कैटेगरीज भी होती हैं बट नो बट ये बहुत मसले होते हैं हाँ लेकिन वो तुमने जो सिस्टम शुरू किया था राउंड टेबल वाला वो बहुत अच्छा था बट राउंड टेबल गोल्डन ग्लोब्स पे चलता है बिकॉज वहाँ पे डिनर होता है यहाँ पे बिकॉज इट्स मोर ऑफ एन ऑस्कर्स टाइप ऑफ सिचुएशन के जब आप uh,

कि वहाँ पे नॉमिनीज भी कुछ पीछे बैठे होते हैं कोई hmm. ऐसी कोई वहाँ वो वाली बात नहीं है। वो अब डिपेंड करता है ना जिसकी ये भी फेसेस इन द क्राउड आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना uh, अब ऑस्कर्स में तो हंड्रेड एंड टेन कैमरा होते हैं इट्स लाइव तो हंड्रेड एंड टेन कैमराज को पता होता है कि टॉम क्रूज कहाँ बैठा है विली बॉब थॉर्डन कहाँ बैठा है एंजलिना जूली कहाँ बैठी है सब पता होता है और कैमरे भी वहीं पे होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली hmm. अगर जैसे आपको याद होगा मैं ये एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इसकी वो बंदा गया स्टेज के ऊपर उसने कहा शो मी द मनी रिमेम्बर उसने उसकी बड़ी स्पीच थी जब स्पोर्टिंग एक्टर था जो जीता था एंड उस वक़्त कैमरा द डायरेक्टर हैड टू से

हाँ okay. कभी किसी से मशवरा ले लेता हूँ यार ये इस तरह से है बताओ क्या करें फिर ये होता है कि एक सर्टेन ड्रामे की एक स्टाइलिस्ट होती है या होता है अच्छा उसने आपका इतना काम नहीं देखा हुआ होता या तो वो पूरा फॉलो करता हुआ आ रहा हो या करती हुई आ रही हो तो उसको पता होता है कि अच्छा वहाँ ये क्या था मैं ये क्या था right. तो आप इसमें कुछ ऐसा कर लेते हैं वो जब हमें बताते हैं तो मैं कहता हूँ ये इसमें किया हुआ है ये इसमें किया हुआ अब कुछ थोड़ा सा ये इसको तो ये फिर उसके अलावा बड़ा हंसते हैं मेरे दोस्त नॉर्मली औरतों को ज्यादा शौक होता है ब्रांड्स का राइट right. तो मेरी बीवी हाँ। बिल्कुल ऑपोजिट है हाँ। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ तो वो या बट दैट्स गुड बैलेंस है ना हां तो बैलेंस बहुत जरूरी होता है जब भी है। जाता हूं तो चीजें भर के लेकर आता हूं डांट पड़ रही होती है फिर। अब कौन देगा क्रेडिट मैं मैं मैं, इतना <laughs> हाँ। काम जो कर रहे हैं हाँ। उसका तो फायदा होना चाहिए और मैंने आपकी आपकी फोटोज भी देखी हैं कुछ स्थेटिक वाली ऑब्वियसली वा मैं तो जाती हूँ मैं तो, तो एडमिट भी करती हूँ कि मैं जाती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे लगें थोड़ी वैनिटी भी अच्छी होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन योर बिजनेस सो अब मुझे ये बताए ना कि सो आप यू कीप योर

Uh, और हम लोगों का जैसे काम होता है ना तो हम कोई एसी में बैठ के सारा दिन काम नहीं करते धूप right, में भी होता है uh, हाँ, हैं हाँ, लेजर कराना पड़ता है सारे ब्लैक स्पॉट्स निकालने पड़ते हैं एग्जैक्टली वेरी हार्ड अभी, अभी ये गर्मियों में शूट स्टार्ट हो रही है सत्यानाश हो जाता है आउटडोर अच्छा मैं तो आपसे बैठ के बहुत सारी बातें कर सकती हूँ मुझे बताएं अब नेक्स्ट क्या है फैसले के लिए बिकॉज आपने सब कुछ तो कर लिया है सब कुछ कर लिया है अब लेकिन वो है कि अभी इश्कम था और भी हैं देखते हैं क्या क्या होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल काम में अभी मेरी विंडो है mm. ओ, फिल्म यू डेंट डू बॉलीवुड एट ऑल नहीं नहीं कोई दिल नहीं था। बनती नहीं नहीं किया कोई बनती है असल में ज्यादा हाँ, हाँ, बोल okay. देता हूँ मैं जो भी दिल में आता है मेरे इंडियन फैंस <laughs> थोड़े नाराज भी होते हैं लेकिन क्या करें आप मुझे बताए कि आपको इस वक्त अगर हिंदुस्तान में अपनी फिल्म हिट करनी है तो आपको पाकिस्तान को गाली देनी देनी है Yeah. तो अभी तो बहुत, बहुत, बहुत अभी आप अगर नेटफ्लिक्स खोले हाँ। कोई भी आप इंडियन सीरियल उठा लें फिल्म हाँ। उठा लें फिल्म उठा रिसेंटली शाहरुख साहब की फिल्म को पाकिस्तान से हर कोई सपोर्ट कर रहा था हाँ। बाद में उन्होंने भी वही किया हाँ। कि वही पाकिस्तान को आप गंदा करें आप आई एस आई को गंदा करें हाँ। और आप इस तरह से जो है अपने मुल्क में अपना नाम बनाए तो जब ये तकलीफ होती है देख के सुन के हम हामरी की बात करें अभी भी जब बिलावल साहब गए हैं आप देखें हमारे पास कोई इस तरह से हिंदुस्तान से आया हो और हमने उसके साथ इस तरह से सलूक किया हो, मुझे कोई एक निकाल के I agree ये तो है। हम दिल खोल के बैठ जाते हैं कि नहीं यार, चलो आ गया ना घर आ गया ना चलो यार छोड़ो यार अब वो किस तरह की बातें कर रहे हैं सोसाइटी हो गई है और आई थिंक वो तो मीडिया पे भी बहुत ज्यादा अ है आ, वो तो एक पूरा कहानी और आ, है बड़ी तकलीफ होती है तकलीफ तो होती है बिकॉज हमारे दोस्त बहुत हैं वहाँ पे तकलीफ होती है लोगों लोगों के लोग मुसलमान जैसे सर्वाइव कर रहा है और हाँ और लोगों के सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं दैट्स द प्रॉब्लम क्योंकि आप अगर मुगलों की हिस्ट्री निकाल दें किताबों से टेक्स से आप कैसे ताजमहल को हटा सकेंगे हाँ बड़ा कुछ कर रहे हैं आप नहीं हटा सकते

अंडरस्टैंड करें और पेशेंस अपने अंदर लेकर आए सब्र करें और समझें हर चीज़ को पहले फिर उसके बाद उसके बारे में बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें लोगों को ना समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपको जानता है वो आपको जानता है जो नहीं जानता उसको बताया नहीं कि यार मैं क्या चीज हूँ कभी कभी हालांकि ये जो मेरे साथ भी सारा कुछ हुआ मैं उस पर हर वक्त बैठ के उसका बहुत फायदा उठा सकता था मैं दो दिन ट्रेंड किया हूँ ट्विटर के ऊपर ठीक है मैं बहुत फायदा उठा सकता था उस चीज से

मुफ्ती साहब हाँ। वो बैठ के वो जो सिर्फ सियालकोट वाला वाक़ था वो उस हाँ। पर उसकी मुजम्मत कर रहे थे हाँ। कि ये लोग इस तरह की बातें करते हैं उसकी वजह से ये होता है और देखें हमारे शहर में ये हुआ हाँ। और यूँ हुआ और वो उसकी मजम्मत कर रहे हाँ। थे सो हम बड़ा पॉजिटिव एक तरीके से फिर वही बाली बात मैं कहता हूँ कि हम, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी का कोई बुरा चाहता हूँ हम नहीं चाहते हैं किसी का बुरा और ये जो भी मसाइल हों वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए मैं जज्बाती हुआ था मैं मानता हूं उस बात को लेकिन मैं सर्टन ग्रुप की बात कर रहा था ठीक है उसी पे मुझे मुफ्ती साहब ने बात कहा कि नहीं कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए एफ आई ए वाले मेरे पास आए मेरे पास और लोग आए वो आके बैठे हैं उनको जब हमने बताई है सारी बात तो वो यूं मेरी शक्ल देख रहे थे कि आपने इस पर प्रोग्राम किया है कहते चार बंदे तो मैंने पकड़े

शौक रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे गं गंदे आ, साइको लोग हैं कि आ, वो इतने पैसे दे देते हैं कि एक बच्चे का रेप और मर्डर के लिए पैसे देंगे तीन तीन घरों की कीमत दे देते हैं इसीलिए तो लोग ये करते हैं Because वो पैसे कमा रहे हैं लेकिन हमारे हम लोग इसमें नहीं हो बचते सकते चले जाते हैं कभी दहशत गर्दी में बच्चों को इन्वॉल्व कर, exactly. कर दिया जाता है कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है कभी किसी चीज में तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये वही वाली बात मैं दोबारा कह रहा हूँ सबसे अच्छे दोस्त आप हैं सबसे अच्छे प्रोटेक्टर आप हैं बच्चों के साथ ऐसे रहें ऐसे जुड़ के ताकि उसको आप संभालें मैं, मैंने जब ये प्रोग्राम किया hmm. तो मैं आके आयत के साथ बैठ गया मैंने कहा आयत आओ बैठो जरा yeah. हम जरा डिस्कस करना चाहते हैं कुछ चीजें hmm. मैंने उसके साथ बैठ के बड़ी लंबी छोड़ी hmm. उसने कहा यार मुझे पता है बाबा hmm. कहते हैं हम जरा टेक्निकली स्ट्रॉग लोग हैं hmm. तो मुझे कहती है, मुझे पता है hmm. हम फ्रेंड्स डिस्कस कर चुकी हैं कि क्या चीज आती है और क्या चीज़ कहती है हमें स्कूल में ही बताया जाता है तो मैंने कहा चलो एट लीस्ट सो एक तो स्कूल में Uh, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि पर, स्कूल्स में बच्चों को ये बताया जाए और बच्चे अपने माँ बाप को ट्रस्ट करें माँ बाप को ट्रस्ट भी करें बातें करें अपने बच्चों से इतना डर ना पैदा कर दें बच्चों के बच्चे आपसे बात ही ना कर सकें सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सारी मैं और आप हम सब मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं बच्चों के लिए exactly. और क्या करना है right. कितने साल हमको 200 साल जी लेंगे हाँ, नहीं ना नहीं। तो आप बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना तो उन्हीं का तो ख्याल करना है हाँ। बस बात खत्म हो गई समथिंग हाँ वो मैंने मूवीज कर रहे हैं हाँ। मूवी विंडो uh, की है अपनी जो कर रहा था वो तो बंद कर दी मैंने वो तो मुझे पता है है वो तो मेरे साथ बैठ के की थी, आ, sad, कर दी। कोई बात नहीं नहीं ऑलवेज एक एक टाइम आता दो ऑफर्स सी तो हाँ। हाँ। uh, करता नहीं करता हाँ, जब हम रिसर्च रहे थे ना आपका नाम और दूसरे फैसल हुआ की तारीफे भी मुझे आई है और बुराईया भी मुझे आई है I'm sure, I'm sure of it, yeah. तो मैंने कहा भाई मैंने किसी को कुछ नहीं बोला मैंने ah. लेकिन चुप करके बैठे रहो जो जो लिख रहा है लिख रहे दो इन्होंने जो रिसर्च भेजी ना मुझे उस पर लिखा मैंने कहा यार This is the wrong faisal नहीं, नहीं, अपने दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं मैं पीआर कर रही तो मुझे मालूम है फैसल कुरैशी कौन सा फैसल? <laughs> <laughs> Because I have three in my phone. आ, और हाँ। आपका शुक्र है नाम एफ ए वाई लिखा होता है तो मुझे पता है कि दिस इज डिफरेंट फैसल कुरैशी हाँ। नहीं नहीं हमने बहुत भुगता है मैंने नहीं, और नहीं। नहीं। फैसल ने ये बहुत भुगता <laughs> है उन वो तो बहुत पुरानी हो गई ना फिल्मी 2000, 2000 yeah. yeah. uh, आप मुझे आप, आप, बहुत अच्छे लगते हैं और आप इसी तरह रहें जैसे आप हैं इससे भी आप जो बातें किए हैं बहुत जरूरी बातें थी आज और पेरेंट्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी एंड आई थिंक आल्सो योर लाइफ आपने कम बातें की हैं मुझे आप कभी बैठूंगी अकेले में और बैठ के पूछूंगी कि और क्या क्या आपके ज़िंदगी में हुआ है आप किस चीज़ से गुजरे हैं क्योंकि मगर आपने जब भी उस ट्रेजिडी की भी बात की आपने इतनी पॉजिटिविटी से बात की है ना क्योंकि आपने कहा कि गुज़र गया ना गुज़र गया लेकिन बहुत सारे लोग सारी आपको पता है हमारी कॉम का बड़ा शौक है ना वो लेकिन नहीं सब नहीं कर पाते नहीं करना चाहिए सब वे, वेरी ब्रेव उमर में ये जो आपने बात बताई की मैं चल के जाता अच्छा मैं नहीं मैं लोगों को एक बात बताता हूँ कहता भी हूँ ये कभी बैठ के ना ऐसे कभी याद करें बुरा वक्त याद नहीं रहता आपको ना अच्छे मोमेंट्स याद रहते हैं yeah. तो याद है यार वहाँ गए थे वो वहाँ पे ये हुआ था यार कितनी हाँ, मस्ती की थी और वो फला जगह गए थे और हाँ, क्या शुगर लगा था हाँ, यार वो जो उसके साथ ये सो यू नो यू ऑल आपको हमेशा अच्छी बातें याद रहती yes. yes. है जिंदगी में बुराई ही ठीक है किसी ने आपके साथ ज़्यादा की कुछ गलत किया इस तरह की चीजें याद रखें लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यहाँ कोड़ना है नहीं है हाँ। लाइफ में मूव ऑन करें आगे बढ़े जिंदगी में अगर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादा की है अल्लाह पे छोड़ दे हाँ। खुद क्या करना बदला लेके आपका बदला इतना नहीं होगा जितना अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए हो जाएगा बल्कि वो आपको so, अंदर से खा जाता है आप अपना ही टाइम वेस्ट कर अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी चिल करें बिल्कुल सही क्या अगले को ना जो अगर कोई आपका आपका बुरा चाहता है वो जब आपको देखते हैं ना आप इतने चेल हैं तो वो बेचारे और सत्यानाश होता है यार मैं तो इसका that. ये चारा था, ये था <laughs> तो नहीं तो घूम नहीं कोई हाँ। है नहीं है बेहतर है आप अपने आप को चल रखे काम करें काम से बड़ी जीत कोई नहीं है आई थिंक यहाँ हमारा ये कल्चर में भी है ये बहुत गहरा तो ये और बदला ये बातेंट बातेंट बात कौन करें

ऑन दैट पॉजिटिव नोट अब हम फैसल को खुदाफिज कहते हैं क्योंकि मैंने इनका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया अब आप घर ही जाएंगे ना Okay, अपने ही जाऊंगा और इस घर पे जाने के लिए आपको दो रुपए की जरूरत नहीं है आप वॉक करके आ, वैसे पैदल भी जा सकते हैं पैदल भी जा सकते हैं बिल्कुल आ, बट आ, मैंने आपकी वो टिजन वाली गाड़ी देखी को बहुत शौक है बाइक्स मैंने देखी